अहम खबर, ऐश्वर्या राय बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव है और बेटी आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव है। इस वक्त की अहम खबर आ रही है बच्चन परिवार से जुड़ी, ये अहम खबर, ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो एक सेकेंड रिपोर्ट जो आई है उसके बाद इस वक्त की ये खबर, ऐश्वर्या राय बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव है और साथ ही आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव है। तो एंटीजन टेस्ट की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन नेगेटिव थी, लेकिन इस पर और क्लैरिटी के लिए हम रुक करेंगे मुंबई का आपसे कुछ ही सेकंड्स में, कि ये खबर जो आ रही है ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन से जुड़ी वो है कि कोरोना पॉजिटिव है दोनों, और कितनी देर पहले ये रिपोर्ट आई, अब से कितने मिनट पहले, इसकी जानकारी हम आपको अभी देंगे। लेकिन इस वक्त जो कंफर्म्ड खबर है उसके मुताबिक ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव हैं। तो अमिताभ बच्चन के परिवार के लिए चिंता की ये बात, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन कोरोना पॉजिटिव है। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें इस वक्त की अहम खबर, बच्चन परिवार में चार लोग कोरोना संक्रमित हैं, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और अब ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, इस वक्त की चिंता वाली खबर यह है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इससे पहले जो हमने जानकारी दी थी उसमें ये चेंजेस आए हैं, क्या ये लेटेस्ट अपडेट है? देखिए, यहाँ पे सुबह जो जिस तरह की जानकारी आ रही थी, सुबह बीएमसी से जुड़े हुए जो सूत्र हैं वो लगातार इस बात के बारे में कह रहे थे कि उनको लैब से रिपोर्ट मिली है और जिसके हिसाब से जो भी तीनों मेंबर हैं जिसका करवाया गया था, जो टेस्ट कल करवाया गया था स्वैब टेस्ट, और इसके अलावा श्वेता जिनकी बेटी भी है, उन सभी का वो नेगेटिव में आ रहा है। लेकिन आज दोपहर में जब हमने इससे पहले विश्वास करके एक विश्वास मोटे नाम के एक सहायक उपायुक्त हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बीएमसी के अंधेरी वार्ड के, जब उनसे हमने करी था, उन्होंने अपने बयान में साफ कहा कि अब एक नई रिपोर्ट है, ये तकरीबन 2:30 बजे तक हमारे पास रिपोर्ट हमारे हाथ में आ जाएगी और उसके बाद इस तस्वीर को बिल्कुल साफ होता हुआ देख पाएंगे। और 2:30 बजते ये बिल्कुल तस्वीर साफ हो चुकी है, जो आराध्या हैं, जो पोती हैं अमिताभ बच्चन की, वो और ऐश्वर्या राय कपूर राय बच्चन दोनों के दोनों कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हालांकि घर के जो बाकी के सदस्य हैं जिसमें श्वेता आती हैं और जया आती हैं, उनके टेस्ट हुए थे, वो फिलहाल नेगेटिव हैं। अब तसल्ली सिर्फ इसी बात की रहेगी। जी अंकुर, आप बने रहिए हमारे साथ। राकेश त्रिवेदी मेरे दूसरे सहयोगी इस वक्त जलसा के बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, ये जो खबर इस वक्त आई है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ये रिपोर्ट कितनी देर पहले आई? क्योंकि इससे पहले जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक ऐश्वर्या और आराध्या कोरोना पॉजिटिव नहीं थे, तो हमारे दर्शकों को क्लैरिटी दीजिए इस खबर पर। देखिए, मैं क्लैरिटी के साथ बता दूं कि जो एंटीजन टेस्ट किया गया था उसमें ये जो लोग हैं वो नेगेटिव पाए गए थे, और उसके बाद में कल इनके जो स्वैब टेस्ट लिए गए थे उसकी रिपोर्ट आज दोपहर को आनी थी। बीएमसी के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, यहाँ के वेस्ट वार्ड के जो इंचार्ज हैं विश्वास मोटे, इन्होंने ये जानकारी दी थी आज सुबह कि 2:30 बजे जो है इनकी रिपोर्ट आएगी और तब पता चलेगा कि आखिर स्टेटस क्या है। ठीक 2:30 बजे जो है ये रिपोर्ट बीएमसी को मिली है, जिसमें जो उनको कुल मिला करके 6 लोगों की जो रिपोर्ट है वो मिली, और उसमें ये सामने आया कि इसमें ऐश्वर्या बच्चन और बेबी आराध्या बच्चन ये दो पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि श्वेता नंदा और अगस्त्या नंदा, साथ ही साथ नव्या नवेली नंदा, ये तीनों और जया बच्चन, ये 4 लोग जो है नेगेटिव आए हैं। तो एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि श्वेता नंदा, अगस्त्या नंदा, नव्या नवेली और जया बच्चन, ये 4 नेगेटिव आए हैं, जबकि ऐश्वर्या और बेबी आराध्या जो है वो पॉजिटिव आए हैं। ये जानकारी बीएमसी ने दी है जो रिपोर्ट 2:30 बजे हासिल हुई है, इसीलिए जो है ये रिपोर्ट आने तक पूरे परिवार को आइसोलेशन में रहने की हिदायत बीएमसी की तरफ से दी गई थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.